Ram Vilas Vedanti has been a member of Kendriya Margdarshak Mandal of Vishwa Hindu Parishad since 1984. He is one of those accused in the Liberan Commission of Inquiry. He beams with pride as he makes exclusive revelations to the Cobra Post reporter. हमने अनाउंस किया खाता खोलने के लिए, उसका संचालन नहीं कर रहा था। 6 दिसंबर मंत्र का जो संचालन कर रहा था नहीं कर रहा था, बल्कि अडवाणी जी, राजमाता विराज सिंधिया ये सब रोक कर रहे थे कि भाई उतर आइए, अब आपका उत्साह हो गया, बस उतर आइए, सब उतरने की बात कर रहे थे, लेकिन हम घोषणा कर रहे थे खाता खोलो, इसलिए कि हमने आप लोगों को खाता खोलने के लिए बुलाया, वो ढाटक खोल गया। इस ढांचा टूटने के आरोप में भी सरकार हमको फांसी की सजा देती है, तो हम फांसी की सजा में लटकने को तैयार हैं, लेकिन हम ये झूठ नहीं बोलेंगे कि हमने ढांचा नहीं तोड़ा। आपको आश्चर्य होगा, 36 घंटे लगातार मैं खड़ा हूं। Ram Vilas Vedanti recounts the events leading up to the demolition of the Babri Masjid to the reporter. It all started with a pledge or sankalp, a sankalp to destroy the mosque and build a temple for Ram. There were several other leaders present while the sankalp was being administered. Among them were Ashok Singhal, Mahant Avaidyanath, Prithambra and Uma Bharti. In his words, "Maine dhancha toda aur dhancha todwaya. Aur main jab sankalp karaya, to sankalp ke samay jo log the, sab logon ne sankalp kiya aur fir baad mein dhancha tootna prarambh hua." भव्य मंदिर निर्माण करेंगे और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण कराने के लिए ही यहाँ पर कार्य सेवक लोग आए हुए, कार्य सेवा करने के लिए ये संकल्प कर रहा है। आपके साथ प्रमुखता से अशोक सिंघल जी थे, प्रमुख लोगों में और लोग अशोक सिंघल थे, इदम्बरा थी, उमा भारती थे, सारे लोग थे। मैंने ढांचा तोड़ा और ढांचा तोड़वाया और जब मैं संकल्प कराया तो संकल्प के समय जो लोग थे सब लोगों ने संकल्प किया और फिर बाद में ढांचा टूटना प्रारंभ हुआ। अशोक सिंघल जी पता चला कि रोक रहे थे फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं रोका अशोक सिंघल, रोकने वाले थे अडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी और मुरली मनोज जोशी, तीन लोग रुके। अशोक सिंह ने कभी नहीं रोका, बात बिल्कुल गलत। उन्होंने अशोक सिंघल जी का क्या योगदान है, क्योंकि पूरा अशोक सिंघल की बहुत बड़ी भूमिका है। अशोक सिंघल न होते तो ढांचा कैसे टूटता? 6 दिसंबर को अशोक सिंघल थे, महंत अवैधनाथ जी थे, महंत अवैधनाथ जी मुझको कार्य बेनती को सुन नारा लगाओ, जबकि किरमियानंद जी रोक रहे थे, किरमियानंद जी नहीं चाहते थे ढांचा टूटे, महंत अवैधनाथ जी मेरे साथ थे, किरमियानंद जी मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। नित्य गोपाल दास जी भी चले गए थे, सारे लोग चले गए, मैं था, मैं नहीं हटा वहाँ। कौन कौन नहीं हटा वहाँ से? वहाँ से नहीं हटे अशोक सिंघल, वहाँ से सुदर्शन जी नहीं हटे, वहाँ से मैं नहीं हटा, महंत अवैधनाथ जी नहीं हटे, वहाँ से रितमरा नहीं हटे, इतने लोग वहाँ से नहीं हटे, मंच पर रहे वहाँ के सब लोग, ये सब भगोड़े भाग गए। मन से आपका सहयोग, आप अकेले पड़ गए थे? नहीं, बिल्कुल मेरे साथ सभी लोग थे, लाखों जनता थे मेरे साथ, जनता के अलावा ऊपर जो जिसके ऊपर विश्वास करके लोग आए थे, जिसके ऊपर विश्वास, अशोक सिंघल का विश्वास था, सुदर्शन जी का विश्वास था, नितंबरा का विश्वास था, महंत अवैधनाथ जी का विश्वास था और मेरे ऊपर विश्वास था।
Ram Vilas Devadanti tells a reporter that Ashok Singhal played a vital role in the demolition of the Babri Masjid. He says, Ashok Singhal ki bahut badi bhumika hai. Ashok Singhal na hote, to dhancha kaise tootta? Vedanti tells the reporter that most of the leaders had fled from the manch at the time of the demolition. Those who stayed on fearlessly were Ashok Singhal, chief of the RSS think tank K.S. Sudarshan, Mahant Avaidyanath and Rithambra. जो संत वहाँ थे सब लोगों ने कहा कि आप विनती जी जाइए और जैसे महादेव जी थे, महादेव नाथ जी थे, गोपालदास जी थे, शंकराचार्य जी थे, समझे, सारे लोगों ने कहा विनती जी आप नहीं संकल्प कराइए। जैसे मैं चला समझे ना संकल्प कराने के लिए और मंच पर पहुँच के जैसे संकल्प कराना शुरू किया वैसे ढांचा टूटना शुरू किया। यही जगह है जहाँ ढांचा टूटने का निर्णय हुआ, यही हिंदू धाम है, यहाँ बिना खटिया रहते थे उसमें, इसी हिंदू धाम में निर्णय हुआ ढांचा टूटेगा, ढांचा तोड़ा जाएगा, ये प्रस्ताव मैं लाया। कौन कौन प्रस्ताव में और कौन कौन? सभी लोग थे, इसमें चिदम्बरा थी और अशोक सिंघल थे, आचार्य चोर थे, स्वामी रामदेव जी थे, आचार्य धनी थे, विनय कटियार थे, सभी लोग थे। मीटिंग थी, किस तारीख को हुई होगी मीटिंग? मीटिंग थी 5 तारीख, 5 दिसंबर को। बीजेपी का कोई बड़ा लीडर नहीं? बीजेपी कोई था ही, बड़ा छोटा कोई नहीं था। विनय कटियार का? विनय कटियार की मीटिंग थी, जिसमें परिषद में जो लोग थे वो थे, वो संत लोग थे, आचार्य धन्यम थे, आचार्य किशोर जी थे, मैं था, अशोक सिंघल थे, मोरोपम पिंगले थे, सारे लोग थे। आपके अलावा और किसी का योग? स्वामी नामदेव जी थे और संत लोग थे, कई स्वामी परमानंद जी थे, सारे लोग थे। मतलब बाकी लोग अगर आपके अलावा संत समाज के अलावा किसी को योगदान देना हो इस कार्य के लिए तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को दिया जाएगा या आरएसएस को दिया जाएगा? नहीं, नो, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल को, इसका सारा श्रेय अशोक सिंघल का। पूरे समय यही ठहरे थे मेरे साथ, मेरे यहाँ तक थे। अच्छा, महंत अवैधनाथ जी पूरे समय थे, कभी चले नहीं, जब तक ढांचा टूटा तब तक अपनी आंखों से देखते रहे, हमको बड़ा डंडा लेकर खोदते रहे, विनती और तेज बोलो और तेज बोलो। महंत अवैधनाथ नहीं थे, क्योंकि किमयानंद भाग गए, मतलब दो खेमे बन गए थे। कोई खेमा नहीं था, खेमा कोई नहीं था, एक ही खेमा था, ढांचा तोड़ने वाला खेमा। जो नहीं चाहते थे ढांचा टूटा वो उतर के भाग गए। Vedanti tells a reporter that if there was one person whose contribution mattered the most in the demolition of the masjid, it would most certainly be that of VHP's Ashok Singhal. In his words, Vishwa Hindu Parishad ke Ashok Singhal ka iska sara shreh jayega. Ram Vilas Vedanti further informs the reporter that the venue for the secret meeting held on the night before December 6 was Hindu Dham. एक ही मीटिंग हुई और मीटिंग तो बहुत हुई, रोज मीटिंग होती थी। ढांचा तोड़ने की मीटिंग 5 दिसंबर को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक 9 बजे ढांचा गिराने के लिए उनका और वो सब यहाँ बैठे थे। मतलब ये इतनी गुप्त योजना थी, किसी को जानकारी नहीं मिली? नहीं, किसी को पता ही नहीं, बैठक गुप्त बैठक किसी को बताई जाती है। तो बैठक में किस टाइप का और भी चर्चाएं होती होंगी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई? जो जिस विषय की बैठक होती उसी विषय की चर्चा होती, उसका एजेंडा होता है, एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, ढांचा तोड़ा जाए कि न तोड़ा जाए, इसी विषय का। पिंगले जी थे उस समय? पिंगले जी और हमारी इस प्रस्ताव पर महंत अवैधनाथ ने समझ, उसके बाद फिर सिंगल जी, मेरे पंक्ति में आचार्य विराज दो होते आचार्य धर्म में सारे लोगों के चाहते थे, ठीक विरांति की प्रारंभ बिल्कुल ठीक। Such was the planning that marked the events of December 6, 1992 that the crucial meeting on the night before was called with a clear agenda. Should the Babri Masjid be demolished?
वेदांती स्टेट्स अनएम्बिग्युअसली एजेंडा था ढांचा तोड़ने का, कि ढांचा तोड़ा जाए कि ना तोड़ा जाए इसी विषय पे। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाई आर द फ्रंट रनर्स ऑफ द अयोध्या मूवमेंट नाउ एबडिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जानबूझ के या मतलब डर की वजह से? नहीं, जो भी स्थिति हो लेकिन वहाँ पर से लोग हट गए, इसलिए खतरा हो सकता है, संतोष का जनता काफी अस्त है और इसलिए वो धीरे से जो है रन चला है। जब हमको इन सब लोगों ने भेजा कि आप जाके संकल्प करें, संकल्प का कागज बना हुआ था, मैं उस संकल्प के कागज को ले गया। क्या लिखा था कागज में? संकल्प में कागज लिखा था आज दिनांक 6 दिसंबर को हम सभी राम भक्त राम लला के प्राण में यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जहाँ पर खंडहर है उस जगह भव्य मंदिर बनाने के लिए इस राम जन्मभूमि के मंदिर के खंडहर को हटाना आवश्यक है, इसलिए इसको हटाकर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, इसका संकल्प हम लोग राम लला के चरणों में जाकर करते हैं। इस संकल्प किसने तैयार किया था? इसको तैयार करने वाले में से थे महंतवेदनाथ जी, हम चिट्ठी पत्री कुछ होगी संकल्प टाइप का जो उस समय तैयार हुई थी? हाँ वो सब कहाँ है, कुछ मिल जाए चित्र वगैरह? नहीं कुछ नहीं मिला है, तो हमारे पास ही, लेकिन हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, क्या तो सब मेरे पास ही। अच्छा, हमने संकल्प कराया तो मैं तेरे पास रखता हूँ, कभी लेने आए तो मिल जाएगा? नहीं मुश्किल है बहुत, CBI के उससे उसके नाते कुछ हम लोगों ने उसको मिल करके छोटा दिया काम है। अच्छा, कोई अच्छा अशोक सिंगल जी से मुलाकात हमने की नहीं, क्यों? अगर ऐसे ही मुलाकात करें और वो कुछ उसमें जानकारी ना दें तो उसका कोई अर्थ नहीं? तो उनकी बात है, जानकारी देते हैं, लेकिन हमको जो जानकारी थी मैं वो जानकारी आपको बता दी, लेकिन यहाँ हमने कामयाब को बहुत ऐसे कामयाब थे जिसको CBI के डर के मारे हमको विश्व प्रश्न का छोटा दिया, मैंने छोटा दिया। कई ऐसे दस्तावेज हैं, कागज हैं, संकल्प हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं चिट्ठी पत्री में, मतलब किसके लेटर हेड है वो? सब मेरे पास का विश्व हिंदू परिषद का लेटर हेड प्रस्ताव था, इसमें प्रसिद्ध प्रस्ताव था जिसमें सबके हस्ताक्षर थे पूरे। Ramvilas Vedanti tells the reporter that the declaration of oath along with several other documents were destroyed due to fear of a CBI inquiry and subsequent legal action. Bahut aise kagzaat the jisko CBI se dar ke mare humko VSP ne kaha isko hata dijiye, to maine usko hata diya. Kai aise dastavez hain, kagaz hain, sankalp hai, kai aise prastav hain. Vedanti recalls that the blueprint of the demolition plan was created by Ashok Singhal, Moropan Pingle, Acharya Giriraj Kishore and Mahanta Vaidyanath. So, ये total व्यूह रचना किसकी थी माने जाए, मतलब अशोक सिंघल, मोरोपन पिंगले, आचार्य गिरिराज किशोर, तीन ग्रुप थे जिनके मन में शुरुआत से था कि ये ढांचा ढाया जाएगा। मैं सारा सभी लोग मेरे यहाँ कह रहे थे, सब मेरे पास ही रहते थे, हमारे बच्चे जो मंदिर में गए हैं दो जगह सारा वो सुंदर करके दिख रहा था। Cobra Post reporter makes one more visit to Ramvilas Vedanti to confirm his previous account of the Babri Masjid demolition of 1992. Much like his previous account, Vedanti's recap of the events this time is full of more explosive details and his narration marked by attitude. He tells the reporter that it all started with an oath in the city of Ramtek. In his words, ye Ramtek par santon ki bahut badi sabha hui. Usme santon ne sankalp kiya कि मंदिर का निर्माण करेंगे। तो एक बार फाइनली पूरा ये रामटेक पर संतों की बहुत बड़ी सभा होती है, उसमें संतों ने संकल्प किया, जैसे राम ने संकल्प किया था हम भी सभी संतों के साथ और राम भक्तों के साथ संकल्प रहे कि मंदिर का निर्माण करें।
के मार्ग से बहुत जनसभा नागपुर रेशम बाग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय के ग्राउंड परेड जो ग्राउंड बना हुआ जहाँ पर अभी होता है आरएसएस की ट्रेनिंग जी वहीं पर बहुत बड़ी सभा वहाँ बहुत बड़ी सभा के बाद से हम लोग अयोध्या आए। फिर ये कार्य बंद थी और इसके बाद 6 दिसंबर तय किया। अच्छा तो उसमें जो नागपुर में जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग थे? सभी लोग थे। नितुमाल दास जी थे, परमन जी थे, रविन्द्रनाथ जी थे, कांची शाम को शुक्राचार्य थे, जी थे। और आरएसएस की तरफ से ये तो आरएसएस की तरफ से चालक थे, बाला साहब देवरस थे, ऋतु मैया थे, सुदर्शन जी थे और ये मोहन भागवत जी थे, तो इसमें तो चालक जी। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग मंदिर बनाने के लिए संकल्प है और हमारा संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। और इसके बाद सन 92 में 6 दिसंबर 92 की तिथि घोषित हुई दिल्ली में और उसकी बैठक फिर अयोध्या इसी हिंदू धाम में हुई, जिसमें अशोक सिंघल जी, आचार्य बेहरा किशोर जी, मोरोपंत पिंगले महंत अवेदनाथ, नेतुमाल दास, परमानंद जी, जैन दशरथ शंकराचार्य, पत्रिकाशन के शंकराचार्य, आचार्य धर्मेंद्र जी, आचार्य धर्मेंद्र थे, आचार्य विराज किशोर थे, मैं था, अशोक सिंह जी थे, महंत अवेदनाथ जी थे, नितुमाल दास जी थे, परमानंद जी थे, विनय कटियार थे, मोरोपन सिंगले ने बताई दिया था, मोर इन सारे लोगों ने इसी हिंदू धाम बैठ कर निर्णय लिया 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण की कार्य सेवा करें। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस खंडहर को जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा हुआ है उसको तोड़ेंगे, लेकिन जन सामान्य को यह नहीं बताया गया था कि ढांचा तोड़ने का भी कष्ट मना होगा। रामविलास वेदांति फर्दर डिस्क्राइब्स टू द रिपोर्टर अबाउट द जेनेसिस ऑफ द आइडिया टू ब्रेक डाउन द बाबरी मस्जिद। द डेट वाज दिसंबर 5, 1992। इट वाज सम टाइम इन द नाइट। इन दैट सीक्रेट मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट द मॉस्क मे जस्ट हैव टू बी डिमोलिश्ड। दिस डिसीजन वाज प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड टू द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह। लिसन इन टू द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव रिवीलेशंस ऑफ रामविलास वेदांति। बड़े लीडरों में कोई बड़े लीडर में बैठे में कोई बैठक थी धर्मचारी में बैठक थी कुछ बड़े लीडर कोई आ सकते हैं, लेकिन 6 दिसंबर को 5 दिसंबर की रात को ही कल्याण सिंह के पास समाचार भेज दिया गया और उसमें ये कहा गया था कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो ढांचा भी तोड़ दिया जाए। आपको क्या भूमिका ग्रहण करना है उस पर विचार कर और 6 दिसंबर को जब मैं संकल्प कराने के लिए संकल्प पत्र लेकर के मंच पर पहुंचा, मैं ही संकल्प कराने गया कार सेवा का संकल्प पत्र लेकर के मैं मंच पर पहुंचा, जा रहा था उसी समय अटैक कार्यक्रम में अटैक कर। तो
ढांचा जब टूटना शुरू हो गया तो उसी समय मुनि मनोज जोशी और विजय राज अडवाणी ये भाजपा के वरिष्ठ नेता लोग मंच पर आ गए। और इन लोगों ने मंच से कहा कि आप लोग ढांचा के नीचे उतर आइए, ढांचा बदलो। लेकिन कार्यसेवकों ने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन मैं ढांचा तोड़वाने का संचालन कर रहा, मंच से मैं कह रहा था राम राम सत्य है बावरी ढांचा था कि मैंने कथन कराया। उसी समय मेरा माइक छीन कर भरा और उमा भारती इन लोगों ने भी ये भी नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा। Vedanti's revelations confirm that on December 5 itself, Kalyan Singh was fully aware of the possibility of Babri Masjid being demolished the next day on December 6. He further reveals that when the demolition started on December 6, Uma Bharti and Rithambara took to the stage, grabbed the mic from Vedanti and cheered the Karsevaks to bring down the mosque. Vedanti says, "Main dhancha tudwane ka sanchalan kar raha tha, manch se. Main keh raha tha, राम नाम सत्य है बाबरी ढांचा ध्वस्त है, ये मैंने करवाया। उसी समय मेरा माइक छीन कर रिथम्बरा और उमा भारती इन लोगों ने भी यही नारा लगाना प्रारंभ कर दिया जो मैं बोल रहा था। Vedanti adds that while there were some who were in favor of bringing down the mosque, there were others who opposed it. रामदेव जी वृद्ध थे, असमर्थ थे, उन्होंने कहा कि तब महंत वेदनाथ जी ने मैं भी नहीं जाऊंगा उनको सौंपा परमहंस रामचंद्र परमहंस रामचंद्र जी कहे मैं भी नहीं जाऊंगा दिल्ली में। तब अंतिम में अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा कि रात आप जाएंगे, तब मैं संकल्प पत्र लेकर गया। हमारे कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि भाषा टूटे, उसे भाजपा विरोध है ना, लेकिन संघ और विष्णु परिषद और धर्माचार्य उनमें सबसे ज्यादा मैं चाहता था, आचार्य धर्मेंद्र चाहते थे, आचार्य गिरिराज किशोर चाहते थे और महंत अवेदनाथ चाहते थे कि भाषा तोड़ दे, समझे ना। लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन विरोधी थे, कुछ लोग ऐसे थे उसमें जो नहीं कह रहे थे कि भाषा का तोड़ा जाए, भाजपा का कहना था कि भाषा टूट जाएगा तो मुद्दा समाप्त हो जाए, इसलिए ढांचा न तोड़ा जाए। और इसीलिए जब ढांचा टूटना शुरू हुआ, ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद अडवाणी जी, जोशी जी, विजयराज जी, सिंधिया जी और उमा भारती जी, ये सारे लोग यहीं थे, जानकी मानव को रोका गया, वो सब ढांचा टूटने के समाचार को सुनने के बाद मंच पर पहुंचे और उन लोगों ने बहुत प्रयास किया अपने मुंह से रुको ढांचा न तोड़ा जाए, लोग उतार आए, लेकिन कौन किसकी बात मानता। तो नरसिंह राव से सुबह 6 बजे मेरी बात, 6 बजे सवेरे नरसिंह राव का फोन, क्योंकि ढांचा टूटने से पहले 15 दिन पहले नरसिंह राव ने उसको बताया और कहा विधानसभा जी क्या होगा फिर। सुबह 6 बजे जब फोन आया तो कहा क्या निर्णय लिया तो कथा कर, तो नरसिंह राव ने कहा कि टूट जाना ठीक हुआ और इसके बाद नरसिंह राव का हमको फोन करने का मौका नहीं मिला, उसमें कार्डलेस और मोबाइल तो था नहीं। मैं रात को करीब 1 बजे आया, सब संकल्प करा के सारी बुक करा के हमने 1 बजे किया। जब मैं यहाँ टेलीफोन पर आया मंदिर में थे, मंदिर बसे तब वहां से फोन किया नरसिंह राव, सब पता चली गया था सबको। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ अलग स्थापना
पूजा पाठ कर रहा था आपकी तरह से। नरसिंह राव को पूरी जानकारी सर आपको एक बजे दूसरे दिन मतलब 7 तारीख को 6 तारीख की रात। हाँ 6 को मतलब 1 बजे दिया तो 7 तारीख हो गई। 7 तारीख को और 1 बजे के बाद लगभग 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया। According to Ram Vilas Vedanti, the then Prime Minister P.V. Narasimha Rao was also aware of the plan to demolish the Babri Masjid. In his words, Narasimha Rao ko puri jankari raat ko 1 baje di. Vedanti further goes on to describe the active role played by the RSS in the entire Ayodhya movement. पैसा मिले कुर्सी मिले।